तो बीट्स के न्यूमेरिकल करने से पहले एक चीज़ समझ लो, आपको ना नॉर्मली क्वेश्चन में ऐसे गिवन होगा कि आपके पास जैसे दो ट्यूनिंग फोक्स हैं, ये पहला ट्यूनिंग फोक है और ये दूसरा ट्यूनिंग फोक है, एक की फ्रीक्वेंसी गिवन होगी 250 हर्ट्स मान लो ये गिवन है, और वो ये कहेगा कि जब दोनों फोक्स को इकट्ठे बजाया तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं थी, दोनों की फ्रीक्वेंसी में 3 बीट्स जनरेट हुई पर सेकेंड, तो दोनों में बीट्स फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है, तो आपको अननोन फोक की फ्रीक्वेंसी बतानी है। अब बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है दो फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस बीट फ्रीक्वेंसी है। तो अब इस केस में जो ये वाली जो ये ट्यूनिंग फोक है इसकी फ्रीक्वेंसी या तो 253 होगी या फिर 247 होगी। देखो ये रूल तो है नहीं कि बड़े में कि कोई भी न्यू वन में से न्यू टू माइनस करना है, बड़े में से छोटा माइनस करना है तो डिफरेंस 3 आना चाहिए। तो क्या पता इसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी हो इससे, क्या पता इसकी फ्रीक्वेंसी छोटी हो इससे, मैं कह नहीं सकता। अगर आप ये 253 लेते हो तो भी डिफरेंस 3 है, 247 लेते हो तो भी मैग्नीट्यूड 3 है, तो दोनों में से एक आंसर होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ये रूल क्लियर है कि अगर एक की फ्रीक्वेंसी गिवन है और दूसरे में नंबर ऑफ बीट 3 गिवन है तो या तो 3 ज्यादा होगी या 3 कम होगी, ठीक। पर दो इकट्ठे आंसर नहीं हो सकते, या है दिस और दिस, तो आपको एक आंसर मार्क करना है। तो न्यूमेरिकल के अंदर कुछ ना कुछ हिंट गिवन होगा जिससे कि आप डिसाइड कर पाओगे इनमें से दो क्या आंसर है। तो हम न्यूमेरिकल में देखते हैं कि क्या हिंट ऐसे गिवन होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ न्यूमेरिकल ऐसा रहेगा। तो देखो स्टार्ट करने से पहले वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी ट्यूनिंग फोक के प्रोंग के ऊपर हमने उसको फाइल कर दिया, फाइल वर्ड ध्यान रखना, फाइल्ड, फाइल्ड का मतलब उसको पतला कर दिया, वो तेज 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 मूव करेगा, तो अगर आपने फाइलिंग कर दी तो वो तेज मूव करेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी उसकी, इंक्रीज। और अगर क्वेश्चन में ये गिवन है कि प्रोंग ऑफ ट्यूनिंग फोक इज लोडेड विद वैक्स, वैक्स लगाने से क्या होगा, वो ठीक तरह मूव नहीं कर, भारी हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज। दो टर्म्स याद रखना, फाइलिंग में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज और वैक्स लगाने में फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। तो पहला क्वेश्चन, टू द पॉइंट्स ऑफ प्रोंग्स ऑफ ट्यूनिंग फोक बी ओरिजिनली इन यूनिसन, यूनिसन का मतलब होता है सेम फ्रीक्वेंसी, यूनिसन विद ए, तो यानी कि ए और बी की फ्रीक्वेंसी शुरू में क्या थी, सेम थी, तो नंबर ऑफ बीट्स क्या थी, जीरो, कुछ भी नहीं थी, और ए की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 384, तो बी की भी कितनी है, 384, आर फाइल्ड। अब एक फोक को फाइल कर दिया, द फोक प्रोड्यूसेस 3 बीट्स पर सेकेंड, तो एक को फाइल किया तो नंबर ऑफ बीट्स में डिफरेंस आ गया, ऑब्वियसली बीट्स तो जनरेट होंगी, एक फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी एक कम होगी, तो नंबर ऑफ बीट्स कितनी होगी, 3। तो आपको यह बताना है कि जब उनको फिर से साउंडेड टुगेदर किया गया तो पिच यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ बी क्या है आफ्टर फाइलिंग, तो किसको फाइल किया गया, ए की बी को, बी को। तो ये बताओ अगर ए की और बी की फ्रीक्वेंसी शुरू में सेम है और नंबर ऑफ बीट्स कितनी है बाद में फाइल करने के बाद, 3, तो यानी कि बी की फ्रीक्वेंसी या तो 384 से 3 ज्यादा होगी या 384 से 3 कम होगी, पर क्योंकि बी को फाइल किया तो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, ज्यादा, तो आंसर क्या आएगा, 387। समझ में आया इनमें से कैसे चूज करना है, तो हिंट गिवन होगा फाइल या फिर लोडेड विद वैक्स। ये जो क्वेश्चन है ये वाला बहुत फेमस क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नीट में, मेंस में और आपके स्कूल के पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट मार्क करो, बहुत बार आया हुआ है बीट के ऊपर, ज्यादातर ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या ट्यूनिंग फोक अरेंजमेंट पेयर, दो ट्यूनिंग फोक है, प्रोड्यूसेस 4 बीट्स पर सेकेंड विद वन फोक ऑफ फ्रीक्वेंसी 288 साइकिल्स पर सेकेंड, हर्ट्स होता है ये, तो एक फोक की फ्रीक्वेंसी 288 है, लिटल वैक्स इज प्लेस्ड ऑन द अननोन फोक, तो जो फ्रीक्वेंसी जिस फोक की नहीं पता थी उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, वैक्स, जिससे फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। अब वो कह रहा है कि वैक्स लगाने के बाद उसको फिर से 288 के साथ जब बजाया गया तो पहले नंबर ऑफ बीट्स 4 थी, अब नंबर ऑफ बीट्स कितनी रहेगी, सिर्फ 2, तो आपको बताना है अननोन फोक की फ्रीक्वेंसी क्या है। पहले दोनों बज रहे थे इकट्ठे, 288 और अननोन, तो डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी 4 है, फिर अननोन के ऊपर वैक्स लगाया, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 है, अननोन की वैल्यू बतानी है। शुरू करते हैं, तो नोन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 288, तो अननोन की फ्रीक्वेंसी या तो 4 ज्यादा होगी या 4 कम होगी,
तो या तो 292 होगी या 284, इन दोनों में से एक आंसर है। ठीक, अननोन पे वैक्स लगाया, वैक्स लगाने से फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम। अब वैक्स कितना लगाया, इतना सा इतना सा इतना सा, जितना मर्जी लगाओ, पूरा डुबो दो वैक्स में, फ्रीक्वेंसी जीरो कर दो। तो ये तो गिवन ही कितना लगाया, तो हिट एंड ट्रायल है। तो मान लो पहले मैंने 284 लिया, तो मान लो मैंने सोचा कि मेरा आंसर 284 है, तो मैंने जब वैक्स लगाया होगा, हल्का सा वैक्स लगाया, फ्रीक्वेंसी गिरी होगी, मान लो कितनी होगी 283, और वैक्स लगाया होगा 282, और लगाया 281, और लगाया 280 एंड सो ऑन। आप मुझे बताओ कि इसमें से क्या कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी है कि जिसका डिफरेंस इसके साथ दो आ जाए, टू आ सकता है, चेक करो, नहीं आ सकता, क्योंकि डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, टू तो नहीं आएगा। फिर मैंने 292 पे वैक्स लगाया, जब मैंने 292 पे वैक्स लगाया तो फ्रीक्वेंसी कम हुई, कितनी हुई 291, और वैक्स लगाया 290। अब यहीं पे बात बन गई ना, क्योंकि 290 का और इसका डिफरेंस कितना है 2, रादर और वैक्स लगाने पे इनका डिफरेंस फिर से कितना आया। तो इसमें ये केस पॉसिबल है कि नंबर ऑफ बीट्स कितनी बच जाए 2, तो मेरा आंसर क्या मार्क करेंगे 292। तो फिर से एक बार, या इन दोनों में से एक आंसर है। अब आपने वैक्स लगाने, वैक्स लगाने पे कुछ भी हो सकता है आंसर, वैक्स लगाने पे कुछ भी हो सकता है आंसर, डिक्रीज ही होगा वैक्स लगाने पे, वो मूव नहीं कर पाएगा ना प्रॉन्ग उसका। ये 292 था ना, वैक्स लगाया 291, डिक्रीज हो गई ना। क्या अब तो और वैक्स लगाया हो 290 होगी, और वैक्स लगाया 289 होगी। अब तुम्हें कितना वैक्स लगाया पता नहीं, पर कुछ भी हो सकता है, पता नहीं कुछ भी होगा, इसमें भी डिक्रीज हो जाएगा, दोनों में से एक आंसर है। पर कह रहे वैक्स लगाने के बाद 288 के साथ आंसर 2 आना चाहिए बीट्स का। तो आपको इसमें से एक ऐसी सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है, एक ऐसा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ढूंढनी है कि आंसर 2 आ जाए, डिफरेंस 2 आ जाए 288 के साथ। तो एक तो एक आंसर आ गया 290 288 2, यहीं से आंसर 292 आंसर। आपको तो ये तो अपने मन में कैलकुलेशन करनी है, ये तो वैसे ही दिखाया है, एक्चुअल में तो अपने मन में कैलकुलेशन करके बोलना है 292 इज द आंसर। ठीक है यहां तक। फिर देखो, ये देखो, ट्यूनिंग फोक ऑफ फ्रीक्वेंसी अननोन गिव्स 4 बीट विद अ ट्यूनिंग फोक ऑफ फ्रीक्वेंसी 310। तो एक फ्रीक्वेंसी नोन है 310, एक अननोन है, और नंबर ऑफ बीट्स कितनी है इसमें 4। इट गिव्स सेम नंबर ऑफ बीट्स ऑन फाइलिंग, फाइलिंग करने, अननोन को फाइल कर दिया, फाइल करने के बाद कह रहे नंबर ऑफ बीट्स जो है वो फिर से 4 ही आई, तो बताओ कि अननोन फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो अगर नोन की फ्रीक्वेंसी 310 है और नंबर ऑफ बीट शुरू में 4 है, तो अननोन की या तो 4 ज्यादा या 4 कम। अब फाइल करने से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, बढ़ने के बाद भी आंसर 4 आना चाहिए। तो सोचो अगर मैं 314 पर वो फाइल करता हूं तो आंसर 315 316 317 आएगा, डिफरेंस इसके साथ कभी भी 4 नहीं आएगा। लेकिन इसको अगर मैं फाइल करता हूं कभी ना कभी क्या आएगा 314, तो यहां से डिफरेंस अभी भी 4 है, तो आंसर क्या आएगा 306। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक।